हमसे पैसा लेने के बाद जब तक पूरा ना चुका दो तब तक तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हमारे पास गिरवी रहती है, फिर चाहे वो जर हो, जमीन या जोरू। अब पहले वाली बात नहीं रही जब हम बिना कुछ लिए ही पैसा दे देते थे, अब बात बराबरी की होगी। चलो निकलो, चल। हिम्मत, वो नई डिलीवरी वाला ऑर्डर आ गया, जल्द से जल्द पूरा सामान तैयार करवाओ। और सुनो, इस बार किसी सही आदमी को चुनना, डरे हुए और घबराए हुए आदमी की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है। हम आपसे बस इतना ही कहने आए हैं कि अगले हफ्ते हम आपका सारा कर्जा सूद समेत वापस कर देंगे। आपने हमें कर्जा देकर हम पर जो एहसान किया था, जिसके खातिर हम आपका आदर किया करते थे, एक इज्जत थी हमारी नजर में आपकी, लेकिन कल आपने अपने भाड़े के गुंडे भेजकर वो इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। खैर, हम आपसे ये कहने आए हैं अगले हफ्ते तक हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नमस्ते। आइंदा मेरी बेटी को छूने की कोशिश मत करना। हम लोग मजबूर हैं लेकिन इज्जतदार हैं। आज के बाद अगर किसी लड़की के गले पर हाथ डाला ना, तो ये थप्पड़ हमेशा ध्यान रखना तुम। तेरी तो हिम्मत पक। कविता जी, आपने जो कहा हमने सुन लिया, अब आप मेरी एक बात सुनिए। अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं आया तो इस बार हिम्मत नहीं, हम आपके घर आएंगे। अब आप जाइए यहां से। अगले हफ्ते तक पेमेंट आ जाएगा। ठीक है। हेलो सर, मैंने फाइल चेक कर लिया और मैंने न्यू ब्रांड के कर्टन्स के ऑर्डर भी दे दिए जो आपने बोला था, और घोड़ों के अस्तबल के लिए नया लैंड भी देख लिया। आप ये फाइल देख लीजिए और ओके कर दीजिए। मुझे काम नहीं करना यहाँ पे, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आपकी बुरी नजर है मेरे ऊपर, और अब आप बदतमीज से मुझे छू भी रहे हैं। आई एम क्विटिंग दिस जॉब। बाहर में जाए आप और आपका स्टेट। हमारे सामने हम इतनी आवाज में किसी को बोलने नहीं दिया करते। और सुनो, यहाँ पे आना अपनी मर्जी से होता है, लेकिन जाना हमारी मर्जी से। समझ के रखा है तुमने रतन सिंह को? प्रजा राजा के सामने बोला नहीं करती, और हमें कभी कभी प्रजा को दिखाना पड़ता है कि प्रजा की औकात क्या है और राजा की क्या है। छोड़ो, छोड़ो मुझे।